हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए गांव की सीरीज के अंदर कुछ यूनिक करने जा रहे हैं। तो यूनिक क्या है, सोनम बताएगी अपनी जवानी, क्योंकि अपना टैलेंट ये पूरी तरीके से दिखा रही है गांव में आने के बाद में। और हमें मैं अपना जौहर दिखा रही हूँ। जौहर दिखा रही है ये अपना अपना टैलेंट जितना बाहर निकाल सकती है दिखा सकती है। एक्चुअली टैलेंट नहीं, इस चीज को मैं कोशिश करूंगी, मैं अभी ट्राई करने जा रही हूँ भैंस का। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात तो मेरे को अच्छी ये लगती है, क्योंकि एक जो लड़की शहर में रहती है वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है गांव के माहौल में आने के बाद भी। मुझे पता है मजनता को ज्यादा फिक्र है तुम्हारी तो सुन तो ले मेरी बात सुन। आज मैं एक ट्राई करने जा रही हूँ, मुझे भैंस का या गाय का दूध काढ़ना नहीं आता है, पर मैं इसके लिए ट्राई कर सकती हूँ एक बार, क्या पता मैं काट लूँ। देखते हैं, भैंस का निकालती है गाय का निकाल दिए, क्योंकि इसकी बहनें हैं इसको मना नहीं करेंगी। पार्ट ऑफ अ जोक, ठीक है, माइंड मत करना, ये मेरी बात का बिल्कुल भी माइंड नहीं करती है। भाभी को कुछ बोलोगे ना तो हम गुस्सा हो जाएंगे। मेरे रियल फॉलोअर्स, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, थैंक यू यार, बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिलवाने जा रहे हैं हमारी माया भाभी से, जिन्होंने मिस यूनिवर्स जीता था अभी 2019 वाला। बताओ यार अपने बारे में। भाभी हिंदी में बोलो। ऐसे बोलो भाभी, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मैं मतलब जिक्र नहीं कर सकती हूँ अपने बारे में, मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना, बहुत ज्यादा। यार बोलो ना यार मतलब ये भाभी हमारी इतनी सुंदर है ना, पर थोड़ा है ना गाँव में थोड़ा काम कर करके ऐसे हो जाती है, रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, बाकी आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत है। अगर मैं इनका आज भी मेकअप कर दूं ना तो इतनी अच्छी लगेंगी। बस बालों में डाई करनी है और बस मेकअप करना, हाँ, है, बस दो चीज करनी है। फिर हम आपको अपने फॉलोअर्स को दिखाएंगे कि हमारी भाभी कितनी अच्छी लगती है। और क्या, फिर हम दिखाएंगे हमारी भाभी बहुत सुंदर है। बैठ, मैं चला सकती हूँ आप? चलाना, चला सकते, चला भाभी, चलाना भाभी एक बार। तू बैठ क्या करा रहा है? नहीं, आप चलाओ पहले, एक बार चलाओ। चलाऊंगी, आप चलाओ तो सही, मेरे को गागरा फंस जाएगा। अच्छा, चलाऊंगी मैं, बैठू? हाँ, तू बैठ और ये चलाएगी भाभी। अच्छा, ये तो चला लोगी, टायर ही पंक्चर हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं, अभी चलाएगी, तू बैठ पीछे, खुद भी गिरेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरेगी, ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसी बात थोड़ी ना। आगे गिरा दिया ना भाभी, अच्छा नहीं होगा, बता ये देख लो। चला मतलब ये प्लानिंग थी उनकी पहले, आप इनकी प्लानिंग। भाभी ने मेरे को पागल बना दिया, कह रही साइकिल चलाऊंगी। गाय चिल्ला रही है, मेरा दूध काट लो यार, ये गुस्सा कर रही है, कह रही मैं नहीं दूंगी तुझे। ये इसका बच्चा है ना, छोटा है ना, पहले इसे इसे प्यार करेगी, फिर इसे पिलाएगी, उसके बाद में ही तो बैठ काटे। पता नहीं बैटरी में बटन लगता है, वो साइड में से देख रही है। नहीं मारेगी सोनम, डर मत, डर डर मत। उसपे हाथ लगाया ना मैंने, मेरे एकदम से कौन मारा था ये, इससे गिलगिले लगते हैं। समझो, मैं मारने की नहीं कह रही, मैं वो गिलगिले से लगते हैं ना। माया भाभी से सीखो एक्सपीरियंस के बारे में, खटाखट 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 दूध निकाल रही है। भाभी कितना दूध देती है? अच्छा साफ कीमत, भैंस भी दे दे साफ कीमत, मतलब ज्यादा दूध पी गया वो छोटा सा बच्चा। चला छीन रहे, देखो कितना प्यार कर रही है अपने बच्चे से। आया भाभी सोनम को यहाँ पे दूध निकालने की प्रैक्टिस करवाते हुए। ज्यादा प्रेस करूंगी तो दर्द हो जाएगा उसको। नहीं नहीं, तन तेरी मम्मी को कैसे तुम क्या? मैं भूल गई। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है सोनम। देख लो गाइस, आज हमारी वजह से बच्चे का उद्धार हो गया, बच्चा 2-2.5 लीटर दूध पी गया आज अपने पेट के अंदर स्टॉक कर लिया। बच्चा कितना खुश लग रहा है आपको? दूध तो निकाल लिया, दूध निकालने की प्रक्रिया पूरी। तो सोनम अपना हुनर दिखाते हुए यहाँ पे, आप सोनम, ओह माय गॉड, सिंगम वाला, ये कौन सा है? ये तो वो है साउथ इंडियन मूवी में करते हैं ऐसे, तो दोबारा करके दिखाए एक बार ये वाला स्टाइल। यार मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। देखो यहाँ एक दर्शक, दूसरा दर्शक, तीसरा दर्शक, ये दो छोटे दर्शक और एक मिनी दर्शक। तो चलाइए आप साइकिल, चलाइए, आपकी ट्रेनिंग होती है स्टार्ट अब। तुम्हाला चिकी लाका चिकी ता चिकी चिकी चिकी। अरे चढ़ाई आगे चढ़ाई। गांव के अंदर पहला अटेम्प्ट साइकिल चलाने का, अटेम्प्ट है मेरा पहला, बस मेरे घाघरे लुगड़े सलामत रहे। इसमें क्या भीख मांग रही हो? कितने रुपए चाहिए? मेरे, हाँ कहीं बच्चे, बच्चा नहीं, कितने रुपए चाहिए? कितने एक रुपए चाहिए तो पर हाथ भर दो, लॉकडाउन में टाइम पास हो जाएगी। ठीक है, मिलना कभी अवेली पे। सलानी की तबीज नहीं है क्या? तबीज अभी किसी लड़की को घाघरे लुगड़े में साइकिल चलाते हुए देखा है? देखेंगे, अगर नहीं देखा तो मुझे देख लो। यार एक बार है ना, इसको टाइट करती हूँ यार, कैसे टाइट करूँ इसको? ऐसे कर। अच्छा
रुको ये स्टाइल। और अगर आज मैं गिरी और आज मेरी बेइज्जती हुई ना तो इस गांव में कदम नहीं रखूंगी। रहते दर्शन ही दुर्लभ हो गए तुम्हारे तो। हम तो अपने घर ही रहते हैं, तुम आती नहीं हो हमारे पास में। मैंने दूध काढ़ा कड़ा ही नहीं मेरे से। कहते हैं पसीना नहीं आया, मैं तो थोड़ी देर के लिए बैठी थी। गिराइयो मत, गिराइयो मत। Hi guys, I'm back. Your chico is back. देखो पिताश्री को, देखो सूर्यजी को। कहाँ है पापा? पापा ये देखो क्या कर रही है। छोटी वाली मैंने चलाई और बड़ी वाली शक्ति चलाएंगे। अब मैं चलाऊंगा गांव की एटलस साइकिल। भाई मैं बहुत जाता था गांव में, तीन तीन चार चार किलोमीटर पहले तो यही वाली साइकिल है ना। हाँ तो जयपुर इसी से तो लेने आता था मेरे को। अबे आज तक नहीं चलाई। एक बार चलाई थी जो गोडो फूट गो। करी एक बार चलाई थी गोडो फूट गया उसके बाद नहीं। तन दी धक्को करे या ढलाई में चलाया सीख मैं चलवाऊंगा। मैडम माया की लिटिल सिस्टर, छोटी मैंने लिटिल सिस्टर। माया भाभी चाय बना रही है और ये है गांव का टेम्परेरी किचन। किचन में भाई चप्पल लेकर नहीं जाते कभी भी। किचन तो ऐसा बना रखा है लेकिन सामान सारा है, आपको सारा सामान मिलेगा। और देखो दो दो सिलेंडर रख रखे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर रख रखे हैं माया भाभी ने। अरे भैया नीचे बैठो। अब तो ये बता दे नीचे क्यों बैठी है, इसका भी बता। हाँ यार शहर में तो बैठ जाते हैं बराबर है और लेकिन गाँव में नहीं बैठते हैं। ससुराल से घूंघट काटते हैं, जेड से घूंघट काटते हैं और शहर में तो चलते हैं बराबर से हाथ मिला के। सोना मैं शहर की तो वह किसी की वो नहीं करती है। बात यह है कि जब पति बराबर से खाट पे बैठते हैं तो उनकी पत्नी को नीचे बैठना पड़ता है, परंपरा है हमारी। जब भाग के आऊंगी जबरदस्ती बैठूंगी। चाय में क्या क्या डाल रही हूँ? ओट गेर दी, दूध गेर दी, चाय गेर दी, काली मिर्च गेर दी। गोलू ये कह रहा है कि तेरे कोरोना हो रहा है। नहीं 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 मेरे नहीं हो रहा है। अभी ने चाय बना के कर दी तैयार। और भाई ये आज सोनम ने दूध निकालने की अपनी भरसक प्रयास किए पर निकला नहीं। डर गई मैं, पता नहीं क्यों। तो भाई आज ये लोग उस वाले पहाड़ के ऊपर गए थे, अगर आपको दिखा दूं तो वो, अगर आपको वहाँ पे पहाड़ पर ये फतेह करके देखो वो पहाड़ है ना। देखो सुनो मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, उस पहाड़ के ऊपर ये झंडा गाड़ के आए, अगर आपको दिख पा रहा होगा वो देखो झंडा ऐसे करके यू 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 करके यू मैन। तो आज कहाँ जाके आए भाई तुम दोनों? ये शेर से बचने के लिए, शेर भी था वहाँ पे पता है। सच में? हाँ मजाक मत कर। सच में पूछ पूछ थी बस झाड़ियों में, मम्मी पत्थर मार दी भाग गया। बस था तो बड़ा ही शेर ही होगा। और दीदी को कह रही कल ही एक दो है, कह रहा एक इसमें दो उसमें, उस पहाड़ में जिसमें तुम गए थे। अच्छा। और हम उतरे भी पीछे की साइड से थे। हाँ। और पता है कैसे गए? मतलब इतने ऊंचे पत्थर है, एक भी हाथ पिछला सीधा नीचे, बहुत ऊंचे थे। मम्मी भी चढ़ गई पता है, मम्मी और कल्ली। मम्मी तो वैसे ही फास्ट एंड एक्टिव है, कल्ली को पूरी टक्कर दी मम्मी ने। दोनों का टाई हो गया, बराबर की टक्कर दी दोनों। पत्थर है और शेर भी देखा था हमने। सच में? और क्या, वो पूछ तो ऐसे तो किसी की नहीं होगी, कोई होगा तभी ना। मैंने इनको इग्नोर मार दिया, मैंने कहा तो चलो 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 आगे चलो। और ये से रहा उसका मुंह दिखा ना मेरे मुंह देखा था। और मैंने किसी को देख रहा है, मिस कर दिया। मिस कर दिया, मर जाएगी चल। हां खा जाते हो। देख देख इसको हिप्नोटाइज करूं डॉक्टर स्ट्रेंज। देख हिप्नोटाइज कर रहा है इसको, हिप्नोटाइज कर दिया इसने। ये टेक्निक कहाँ से सीखी तूने? ये ऑनलाइन सीखी थी मैंने। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।